साल 1998 में फिल्म जब प्यार किसी से होता है से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर ने मॉडलिंग के जरिए ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। वो सन 1993 में फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता थी। फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद नम्रता ने मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन वो प्रतियोगिता में छठे स्थान पर रही। नम्रता शिरोडकर ने सन 1977 में रिलीज हुई शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म शिरडी के साई बाबा में बाल कलाकार के रूप में नजर आई। नम्रता अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ पूरब की लीला और पश्चिम की छैला से डेब्यू करने वाली थी, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर ने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही। एक्ट्रेस ने वास्तु, अलबेला, तेरा मेरा साथ रहे, दिल विल, प्यार व्यार जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया और साथ ही साउथ फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई। साल 2000 में एक साउथ फिल्म में काम करने के दौरान नम्रता की मुलाकात अभिनेता महेश बाबू से हुई। फिल्म के शूटिंग के दौरान दोनों ने डेटिंग शुरू की और कई सालों तक अपने रिश्ते को लोगों की नजरों से दूर रखा। दोनों ने करीब 5 साल तक डेट करने के बाद साल 2005 में शादी कर ली। महेश बाबू से शादी के बाद एक्ट्रेस ने फिल्मों से संन्यास ले लिया। एक पुराने इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा था कि वे और उनके पति दोनों शादी के बाद अपने परिवार को समय देना चाहते हैं। महेश बाबू के साथ शादी के बाद नम्रता हैदराबाद शिफ्ट हो गईं। अब एक्ट्रेस अपने दोनों बच्चों और महेश बाबू के साथ हैदराबाद के आलीशान घर में रहती हैं। नम्रता सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों के जरिए अपनी जिंदगी की झलकियाँ शेयर करती रहती हैं। इस तरह एक अदाकारा ने केवल अपने प्यार के लिए अपने फिल्मी जीवन को दांव पर लगा दिया, क्योंकि नम्रता का मानना है कि जिसके जीवन में प्यार है तो वो दुनिया का सबसे अमीर और खुशकिस्मत इंसान हो सकता है और बिना प्यार के फूलों के बिस्तर पर भी सोने में कोई लज्जत नहीं।